नमः शिवाय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सोमवार पंचमी तिथि दोपहर 3:05 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में सुबह 6:22 से पूरे दिन और रात्रि तक चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक मजबूत शरीर वाले, भाइयों के प्रिय, स्वाभिमानी, सबसे प्रेम व्यवहार रखने वाले, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, साथ ही पूर्वाभास पाने वाले मगर अध्ययन काल में संघर्ष का अनुभव करने वाले, कला तथा कारीगरी में प्रवीण, नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाले भ्रमणशील और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। आज के चंद्रमा पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ती रहेगी और नक्षत्र राहु का होने से मन में अस्थिरता का भाव, भ्रम की स्थिति, सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा बनता है। पूरे समय काल के दौरान मन में नकारात्मक भावों का उठना भी स्वाभाविक है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता और उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि व्यावसायिक स्थिरता और मेहनत करने की कोशिश कामयाब रहेगी, मगर रचनात्मक प्रवृत्ति का उतार चढ़ाव बना रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज पराक्रम भाव में चल रहे हैं। सार्थक पहल जारी रहेगा, हर काम करने में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और तर्क शक्ति का इस्तेमाल लाभदायक रहेगा। सरकारी योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता, सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा और भ्रमात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है, वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दूसरे घर में मिथुन राशि में चल रहे हैं। वाणी में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, मगर मानसिक अस्थिरता संभावित है। प्रयासों में कमी और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित रहेगी। फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यावसायिक उन्नति के लिए करें, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। पिता व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान महसूस करेंगे, रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, भ्रमात्मक दौर भी जारी रहेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से राहत भरी खबर मिल सकती है, पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए, मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 12वें घर में मिथुन राशि में चल रहे हैं। सामाजिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा, आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी, सक्रियता और ऊर्जा स्तर हर काम में सफलता दिलाएंगे, मगर संतान संबंधी मामलों में अनावश्यक चिंता बनी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें, अच्छे कामों में खर्च संभव है, भूमि वाहन या प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए अनुकूलता बनी रहेगी, न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे, छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है, निजी संबंधों में तनाव संभावित है और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में चल रहे हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, व्यावसायिक साझेदारी में लाभ संभव है, आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है, संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे,
पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, मगर मानसिक उलझने और भ्रम की स्थिति संभावित है। कुछ मामलों में अनावश्यक रुकावट व अड़चने भी पैदा हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के राशि स्वामी बुध बृहस्पति के साथ तीसरे स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा आपके दशम भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों, सहयोगियों और राजनीतिक व्यक्तियों से दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। हालांकि प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और सकारात्मक आर्थिक निर्णय लेने की मानसिकता बनी रहेगी और विवाद को निपटाने की कोशिश सफल होगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा भाग्य भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। अचानक बाधा संभव है, मगर धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे, साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और राजनीतिक व्यक्ति से भेंट संभव है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। विवादित मामलों को निपटाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे, मगर मन का अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम भाव में मंगल उच्च के होकर केतु के साथ हैं और चंद्रमा आठवें घर में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। सकारात्मक कार्य ऊर्जा का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। हालांकि कुछ कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। साथ ही वाहन चलाने में सावधानी बरतें। धनु राशि के राज स्वामी बृहस्पति बुध के साथ द्वादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा सातवें घर में चल रहे हैं। आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा बढ़ी रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी में सावधानी अपेक्षित है। नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। बृहस्पति बुध की युति कार्य क्षेत्र के लिए लाभदायक रहेगी और आवश्यक संसाधनों को बल मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। मकर राशि के राशि स्वामी शनि 12वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा 6वें घर में चल रहे हैं। व्यक्तित्व में निखार आएगा। नेतृत्व करने की क्षमता और बौद्धिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग और आंतरिक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर सूर्य शुक्र की युति 10वें घर में होने से कार्य क्षेत्र में बल मिलेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। विभागीय सहयोग बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और मांगलिक कामों के लिए उचित समय का इंतजार करें। कुंभ राशि के राशि स्वामी शनि एकादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 5वें घर में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास में भ्रमात्मक स्थिति संभावित है, मगर व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा और भाग्यवश कुछ काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल हो सकता है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि के साथ साथ खर्च भी संभव है। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति 9वें घर में बुध के साथ बैठे हैं और चंद्रमा 4थे घर में चल रहे हैं।
आत्मविश्वास और निजी सुख संतुष्टि में कमी आएगी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें। सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा राहु के करीब होते जा रहे हैं और आज राहु के नक्षत्र में है। कुछ समय के लिए धैर्य और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर काम होते रहेंगे और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव महसूस होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।